हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह से बासुरी स्वराज ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते उन्होंने क्या कहा। करने के लिए नई दिल्ली से सांसद और तेज तर्रार नेत्री बासुरी स्वराज जी हैं। मैम, आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एंटरिम बेल दिया है, आपकी पहली टिप्पणी। आम आदमी पार्टी पुनः जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अर्जी बेल के लिए थी ही नहीं, उन्होंने तो अर्जी इसलिए लगाई थी कोर्ट में कि उनकी अरेस्ट को अवैध यानी इलीगल घोषित करा जाए, लेकिन कोर्ट ने तो सील ऑफ अप्रूवल लगा दी ईडी के सभी साक्ष्य और प्रूफ देखकर, और ये कहा कि सेक्शन 19 की जो रिक्वायरमेंट है कि आईओ आपको तब अरेस्ट कर सकते हैं अगर उनके पास सफिशेंट मटीरियल हो, सफिशेंट प्रूफ हो दिखाने के लिए कि आप दोषी हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दोषी पाए गए हैं। उन्हें इंटरिम बेल इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रेफर हुआ है, इसकी हियरिंग में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए उनको इंटरिम बेल पर छोड़ा गया है। पर अगर आप आज का ऑर्डर देखें तो उसमें एक इशारा भी था सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के स्कैम में अभियुक्त बनते हैं तो आमतौर पर उनको रिजाइन करना चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ये सुप्रीम कोर्ट का इशारा समझना चाहिए। उनकी जिद जिसके कारण वो सत्ता के मुँह में सीएम की कुर्सी को जकड़े हुए हैं, उसके कारण दिल्ली में पॉलिसी पैरालिसिस आ रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ रहा है, इसे केजरीवाल जी को त्यागपत्र देना चाहिए। मैम, आपने इतनी सारी बातें रखी, लेकिन सौरभ भारद्वाज का ये कहना है कि ये सेटबैक है बीजेपी के लिए। देखिए, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है लोगों को भ्रमित करने की। आज का जो ये आया है ऑर्डर, ये ईडी के तरफ आया है। ईडी का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, ईडी और सीबीआई एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसियां हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि आम आदमी पार्टी हमेशा चिट भी मेरी पट भी मेरी, जब छत्तीसगढ़ होता है तो वो कहते हैं कि ईडी को छगन भुजबल जी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन जैसे ही दिल्ली का मामला आ जाता है जहाँ पर खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं के घोटालों की बात होती है तो फिर वो वहाँ पर दोषारोपण कर देते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ज़रा सा आत्मचिंतन ज़रूर करना चाहिए। 60 से ज़्यादा विधायक इनके पास हैं, क्या इनकी पार्टी में टैलेंट का इतना अकाल पड़ा है कि केजरीवाल जी को बिल्कुल भी कोई भी व्यक्ति उनके विश्वास का पात्र नहीं दिखता? एक भी विधायक क्या कॉम्पिटेंट नहीं है सीएम की का कार्यभार संभालने के लिए? मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि सीएम रिजाइन करेंगे नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फंक्शनली हो नहीं पा रहा, पानी से लेकर पानी के कारण दिल्ली परेशान है, कब इस पूरे मसले का हल निकलेगा? भाजपा एक बहुत ही जिम्मेदाराना विपक्ष है, हम जनता की आवाज बनकर पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, और मैं यही आशा करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आत्मा कब से कब अब तो उनको कचोटेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया मैम। कैमरामैन कृष्णदेव के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।